जहां पूरी दुनिया जाने की कोशिश कर रही है वो है चांद। एक के बाद एक, अमेरिका हो या रूस, चीन हो या फिर अब भारत देश चांद पर जाना चाहता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर चंद्रमा की दुनिया कैसी है? चांद पर मिट्टी है या पत्थर, समुद्र है या नदियां, पहाड़ हैं या रेत के मैदान, पानी है या कुछ और? चांद की धरती पर एलियन है या इंसान? तो चलिए दोस्तों, अगले कुछ देर में ले चलते हैं आपको चांद की सैर पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चांद के सफर को। धरती से चांद की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में सबसे कम समय 4 दिन अमेरिका को लगा है। वहीं अगर हम चंद्रयान के रास्ते से चांद पर जाते हैं तो लगभग 40 दिन का समय लगेगा। अगर यह मानकर चलें कि हम अमेरिकी स्पेस क्राफ्ट में बैठकर चांद पर जा रहे हैं तो हमें वहां पहुंचने में 4 दिन का समय लगेगा। 4 दिन बाद हम चांद की जमीन पर होंगे। चांद की जमीन पर उतरने के बाद जो हमें सबसे पहले दिखेगा वो है चांद की जमीन। आपको चांद की जमीन ऊबड़ खाबड़ नजर आएगी। चांद की जमीन पर हर तरफ आपको बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नजर आएगा, जिसमें आपको पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई नजर आएगी, लेकिन आसमान में हमेशा उसकी स्थिरता बनाए रखेगी। अर्थात चांद पर खड़े होकर पृथ्वी को कई वर्षों से अगर हम निहारते रहे तो वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। चांद का गुरुत्व आकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलो है तो चांद की सरफेस पर आपका वजन केवल 10 किलो ही रह जाएगा। यानी चांद की जमीन पर उतरने के बाद आप अपने आप को काफी हल्का महसूस कर रहे होंगे। आप इधर उधर आसानी से उछल पाएंगे। इसी कारण नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर चल रहे थे तब उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि दोस्तों चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। चांद की सतह पर नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं, क्योंकि वहां पर हवा न होने की वजह से वह निशान मिटा नहीं है। फिर थोड़ा चलने के बाद जब आप चांद पर इधर उधर देखोगे तो आपको बहुत सारा कचरा पेपर, बहुत सारे क्षतिग्रस्त सैटेलाइट और बैग्स मिलेंगे। ये सारा कचरा हम इंसान ने ही फैलाया है। ये कचरा इतना ज्यादा है कि 5 ट्रक भर सकते हैं। चांद पर कचरा और ये पेपर अंतरिक्ष यात्रियों ने फेंके थे, जिसमें उनकी मानव मूत्र और उल्टियां हैं। अब आप चांद की जमीन पर खड़े हैं तो आपको सबसे ज्यादा खतरा आसमानी मौत का है। चांद का गुरुत्व आकर्षण कम होने की वजह से इसके पास कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है। वायुमंडल की ना मौजूदगी के कारण वहां पर रहने वालों के लिए उल्का पिंड से मरने का खतरा लगातार बना रहता है। यानी आप चांद पर खड़े हैं और पता नहीं कब एक बड़ा पत्थर आसमान से गिरकर आएगा और आपकी मौत वहीं पर हो जाएगी। यही वजह है पृथ्वी से देखने पर जो चांद पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, असल में वे धब्बे नहीं गड्ढे हैं, जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाने की वजह से वो धब्बे नजर आते हैं। सूर्य के बाद आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाली अगर कोई चीज है तो वो है चंद्रमा। जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन जब चांद से आसमान की तरफ देखेंगे तो हमें नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देगा। यानी आप जब भी ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप काले आसमान की दुनिया में आ गए हैं। अब चांद पर खड़े होकर आप बहुत बोरिंग फील कर रहे हैं, और हम मजाक नहीं कर रहे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हुए चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा दी है, जो कि 3 Mbps तक इंटरनेट स्पीड देता है। यानी आप आराम से चांद पर इंटरनेट चलाकर अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। अब आपका मन कर रहा है इंटरनेट तो बहुत हुआ, अब चांद से मैं पृथ्वी पर अपने घर फोन करके बात करता हूं। आपने फोन मिलाया, फोन लग भी गया, लेकिन ये क्या, आप बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज मुंह से बाहर नहीं आ रही है। जी हाँ, ये सच है, चांद पर आप कितना भी जोर से चिल्ला लें आपकी आवाज मुंह से बाहर नहीं आएगी। धरती पर वायु की हमेशा हर जगह उपस्थिति रहती है, लेकिन चंद्रमा का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां पर ध्वनि तरंगों का संचरण सामान्य रूप से संभव नहीं है। यदि आप चंद्रमा पर किसी को पुकार कर बुलाना चाहेंगे तो उस तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। परंतु चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट्स स्पेस सूट में रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरकर कृत्रिम रूप से वायुमंडलीय दबाव बनाया जाता है, इसलिए वे सूट में बात कर सकते हैं और उसमें लगे माइक्रोफोन की मदद से किसी अन्य व्यक्ति तक भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं।
इस तरह से चंद्रमा पर टेलीफोन के काम करने में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको ध्वनि को अपने मुंह से माइक्रोफोन तक पहुंचाने के लिए किसी माध्यम जैसे वायु की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि इस स्पेस सूट में ही संभव है। भविष्य में अगर चांद पर इंसानी बस्ती बनती है तो यह संभव है कि टेलीफोन से चांद पर बात की जा सकती है, लेकिन चंद्रमा से पृथ्वी तक सिग्नल पहुंचने में लगभग 1.27 सेकंड का समय लगता है। इसलिए पृथ्वी से संपर्क के दौरान आपको रुक रुक कर बात करनी पड़ेगी। अब चांद पर हमको रहना है, तो अब बात करते हैं चांद पर दिन और रात के बारे में। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन लग जाते हैं, और अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाने में इतना ही टाइम लगता है। यही वजह है कि चांद पर हमें एक बार में एक भाग ही दिखता है, दूसरा भाग छिपा रहता है। वहीं चांद पर एक दिन करीब 14 दिन का होता है। रात भी इतनी ही लंबी होती है, यानी चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का बहुत ज्यादा असर होता है। रात में चांद का तापमान लगभग -153 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। फिर चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थितियां भी अलग अलग होती हैं। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल ज्यादा ठंडा होता है। रात तो वहां पर इतनी ठंडी होती है कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद ही उन हालात में रह पाए, बस्तियां बसाने की कल्पना तो दूर की बात है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो चांद के साउथ पोल पर दिन में भी तापमान ज्यादा गर्म नहीं होता है, लेकिन रात बहुत ही ठंडी होती है। समय गुजरने के साथ ही यह गिरता है और बर्फ जमने लगती है, जो कि इस क्षेत्र में रहने की स्थितियों को और भी भयानक बना देती हैं। इन्हीं भयानक स्थितियों के चलते चांद पर अब तक जितने भी मिशन गए हैं वो सब उत्तरी इलाकों में किए गए हैं। रात में हमें जो चांद चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि चांद की अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं है। जो चांद पर रोशनी नजर आती है वो सूरज से आने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन है, यानी हमें सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें कभी नजर नहीं आएगा। चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूमते वक्त अपना एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने रखने के कारण चांद का दूसरा हिस्सा आज तक पृथ्वी के किसी भी मनुष्य ने नहीं देखा है। दोस्तों, चांद पर मौसम नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि परिक्रमा के दौरान चांद अपनी धुरी पर सिर्फ 1.54 डिग्री तक तिरछा होता है, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री तक झुकी होती है। चांद के ध्रुवों पर कई ऐसे इलाके हैं जहां कभी सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती है, यानी घूमते हुए अगर आप चांद के इन इलाकों में पहुंच गए तो वहां नजारे बेहद ही भयानक होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी की वजह से चांद पर मौसम नहीं बदलते, लेकिन चांद की वजह से पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं। अब अगर आपका चांद की दुनिया का सफर कंप्लीट हो गया हो तो आप अपनी स्पेस क्राफ्ट में बैठ जाएं और उसके बाद धरती पर आने के लिए रवाना हो जाएं। दोस्तों, आपको चांद का डरावना और जानकारियों से भरा सफर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए